नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त रात के बज रहे हैं 3 और न्यू टाउन में हम मौजूद हैं और तमाम जो कोलकाता के जो युवा है, जो पढ़े लिखे युवा है, तमाम लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सबसे बारी बारी बातचीत करेंगे क्योंकि बंगाल विधानसभा चुनाव तमाम लोगों की, तमाम देश के कोने कोने लोगों की नजर बंगाल विधानसभा चुनाव पे। सीधे बातचीत करेंगे, क्या माहौल है, जमीनी हकीकत क्या है, सीधे बातचीत करके जानेंगे। क्या लगता है, बीजेपी का पलड़ा भारी है या फिर ममता की लहर है? बीजेपी का पलड़ा कहीं भी भारी नहीं है, बीजेपी हार रहा है। दीदी 200 पार, तो मोदी जी की बोली बोले, मोदी जी 200 पार। हाँ, तो मोदी जी चमड़ा का मुंह है, बोलने दीजिए ना, कोई बात नहीं है। जब इलेक्शन का रिजल्ट 2 तारीख को आएगा, सुबह से मोदी जी ज्यादा परेशान रहेंगे, सुबह से परेशान। वो दीदी 200 पार है, इस बार 211 सीट लास्ट टाइम था, इस बार 225 हो जाएगा। अच्छा, भीड़ देख के हौसला बुलंद कह रहे हैं इस बार तो परिवर्तन है भाई। देखिए भैया, 500 रुपया बिरयानी किसी को भी दीजिएगा तो भीड़ कहीं भी लग जाएगा, यहाँ पे भी लग जाएगा। 500 रुपया और बिरयानी दीजिए, भीड़ लग जाएगा। अभी तो पैसे की भीड़ आई है, ये सब पैसे की भीड़ है। तो समर्थन एक्चुअली किसको है लोग यहाँ बंगाल की? बंगाल में बंगाल के लोग दीदी के साथ है, माँ माटी मानुष के साथ है, ममता बनर्जी के साथ है। ममता बनर्जी बंगाल के लिए माँ के समान है। दीदी ने ऐसा क्या कर दिया? दीदी अब ब्रायर हाट में परिवर्तन देखिए। अच्छा, मैं तो रास्ता पहले आया हूं। रास्ता देखिए कितना चौड़ा है। अच्छा, इतनी गाड़ी खड़ी है। आज दिल्ली से 30-40 किलोमीटर दूर किसान लोग बैठा हुआ है। मोदी जी का समय नहीं है उनको जाके पूछने का, भैया प्रॉब्लम क्या हो गया। यहाँ भीख मांगने के लिए, वोट का भीख मांगने के लिए यहाँ पूरा प्रदेश का आदमी लोग आ गए। योगी जी आ गए, ये आ गई, स्मृति ईरानी रास्ता में बैठ गई आकर। साला तुम लोग जहाँ पर आदमी बाजू में, जहाँ तो किसान मर रहा है, वहाँ पर तो कोई पूछने नहीं गया। किसान आंदोलन जो ये भी मैटर करेगा, प्रभाव डालेगा चुनाव पे यहाँ पे? अरे देखिए, अगर आम नागरिक में अगर थोड़ा सोच बोझ है तो अब ये समझिए, आप लोग दाल चावल खा रहे हो ना, किसान से ही खा रहे हो। अगर किसान आज हिंदू खतरे में नहीं है, किसान खतरे में। चलिए, आप किसके साथ हैं? मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ है, पूरी तरीके से मोदी जी आ रहे लग रहा है। पूरा तरीका से आ रहे इस बार बंगाल में। अच्छा, और मोदी जी इस बार सीट ले लेंगे। कौन सा सीट ले लेंगे? जो भी सीट लेने, मोदी जी चुनाव नहीं लड़े, मुख्यमंत्री कौन? मोदी जी ट्रेन का सीट लेंगे। मुख्यमंत्री कौन बना रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं? जिसको भी बना देंगे वो सही रहे। कोई चेहरा तो होगा सामने, कौन है चेहरा? तो जो भी बन जाए। मुद्दा क्या वोट देने का आपका? विकास। मेरा मुद्दा एक ही चीज है, खेला नहीं होगा विकास होगा, यही ना? खेला नहीं होगा विकास होगा, विकास होगा। मोदी जी क्लियर, मोदी जी आ जा गए, खेला बिगाड़ देंगे मोदी। हाँ हाँ, मोदी जी वनडे मैच खेलने मांग रहे, 6-6 ओवर का। अच्छा, ममता वर्सेस मोदी, 6-6 ओवर का मैच कर रहे हैं, खेला होगा। कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स कोहार का ममता बनर्जी। ये कह रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं पूरी तरीके से, छोड़ो उसको, क्या कह रहे हैं? सही भाई, भाई सही बोल रहे हैं कि सीट मिलेगा मोदी जी, लेकिन काज का सीट मिलेगा जनरल बोगी का। किसके साथ है? हम तो हमेशा टीएमसी के साथ है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? ऋषि गुप्ता। अरे भाई, हिंदू खतरे में कैसी बात कर रहे हैं? अरे हिंदू कहाँ खतरे में, अगर हिंदू खतरे में तो मेरा दोस्त तो मुस्लिम है। अच्छा, तो हम लोग दोनों साथ में उठते बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरा नहीं उनसे? कोई खतरा नहीं है। आरोप लगता है ममता बनर्जी पर, आरोप लगता है मुसलमानों के बीच ज्यादा रहती है, उनकी ज्यादा सुनती है। अरे हमारे साथ कौन है? हमारे साथ तो मुस्लिम भाई है ना, कोई और तो नहीं है ना? ममता बनर्जी तो क्या कह रही है? हम बोल रहे हैं आदमी के संग रहती है, वो हिंदू है मुसलमान है, उसका भेदभाव ऐसा नहीं होता। मोदी जी भी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी तो बहुत कुछ बोलते हैं, आपको मिला? आपसे ये जानना चाहेंगे, युवा है, मोदी लहर पे मान लिया जाए या ममता हावी है मोदी पे, क्या कहेंगे? ममता 110% हावी है मोदी के ऊपर। 2011 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी, 2 करोड़ जॉब के लिए बोले थे, और आज का आप एजेंडा अगर उठा के देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना जॉब मिला है और कितना बेकारी है। युवा तो सबसे ज़्यादा नाराज़ है मोदी जी से, क्योंकि बेकार लोग सबसे ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है इंडिया में, जो पिछले 60-70 साल में नहीं हुआ वो इस दौर में हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ जो हिंदू है वो सुरक्षित नहीं, हिंदू खतरे में है यहाँ पे, एक कॉमन सेंस। हेलो जी, मैं आशीष कुमार वर्मा जी, खिदीपुर बाबूयार में रहता हूँ। मेरे प्रिय मित्र, मेरे सबसे प्रिय मित्र मोहम्मद इरशाद अहमद साहब, प्लीज सनी भाई जी, जो हमारे एक हिंदू एकदम एकदम बचपन के हम लोग, एकदम बचपन के हम लोग मृत हैं ठीक है। हम लोग एक साथ में खाना खाते हैं, एक साथ में हमेशा हर कुछ करते हैं। अगर इरशाद भाई के घर में कुछ खाना बनता तो हमारे यहाँ भेजाते हैं, हमारे घर में बनता तो उनके हम लोग घर भेजाते हैं। तो प्लीज ये चीज आप लोग मत कीजिए, प्लीज मोदी दी, हम लोग का हिंदू मुस्लिम मत डिवाइड कीजिए।
जिस तरह से सरकार हमारे ममता बनर्जी चला रही है, ममता बनर्जी को इस तरीके से योगी आदित्यनाथ आते हैं कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का प्रयास करते हैं, क्या लगता है यहाँ बंगाल में सफलता मिलेगी क्या? कहाँ से सफलता मिलेगी भाई, ये देखिए हम लोग भाई भाई साथ में है, हमारी पत्नी वहाँ बैठी हुई है उनकी पत्नी के साथ में, कहाँ से आपको सफलता मिल? कुछ नहीं, कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम लोग है, अरे हम लोग खतरा, हम लोग साथ में है, हम लोग खतरा कहाँ से है? ये देखिए ये असलम भाई हमारे हैं, ये एक सनी भाई हमारे साथ में है, ये सनावाद भाई है, ये काशिप है, हम खतरा कहाँ है? खतरा तो हमको उनसे है, उनसे जो बाहर से आ रहे हैं, जो लोग जो बाहर से आ रहे हैं और धर्म में बता रहे कि ये धर्म में ऐसा करो, बाहर के जो आ रहे हैं प्लीज हम लोग मत ऐसा कीजिए। और सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमको हिंदुत्व की पाठ सिखाने की जरूरत नहीं है, आदित्यनाथ योगी जी से हम हिंदुत्व नहीं सीखेंगे, हिंदुत्व सीखना होगा तो हम आशीष भाई से सीख लेंगे, और भी हमारे वाजपेयी जी है जो हमारे साथ बहुत लोग रहते हैं, जिन हिंदुओं के साथ मैं रहता हूँ 24 घंटा रहता हूँ, सुरक्षित रहता हूँ, अच्छे से रहता हूँ, प्यार से रहता हूँ, और साथ ही साथ दुर्गा पूजा में जाकर हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं। और ये लोग यहाँ पे रोकेंगे, आप कह रहे दुर्गा पूजा मनाते योगी आदित्यनाथ करते, ईद तो मना लेते, दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। आपको बता दे दुर्गा पूजा बंगाल का दुर्गा मना कर देती है, तो उन लोग शायद पढ़े लिखे नहीं है। बंगाल का दुर्गा पूजा अगर देखना होगा, पूरा वर्ल्ड में एक इतिहास है, बाहर से लोग आते हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए, ये बाबूघाट का विसर्जन देखने आते हैं, और वो बता रहे हैं कि दुर्गा पूजा नहीं होता है। दुर्गा पूजा आपको बता दे, दुर्गा पूजा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इतिहास है कि बंगाल में इतना खूबसूरत दुर्गा पूजा होता है, और बहुत सारे दुर्गा पूजा का चेयरमैन मुसलमान लोग होते हैं। क्या लग रहा है, खेला होगा कि मोदी जी खेला बिगाड़ देंगे? खेला हो गया, खेला खेला के लिए देखिए क्या है ना कि वो उन लोग क्या है, पहले मैदान में आएगा टॉस करेगा, हम लोग मैच डिक्लेयर कर दिया। चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उपेंद्र साहब, बाद में मोदी चचा ना बोले कि मुस्लिम था। डाली वाली से मत जाइएगा। कह रहे हिंदू खतरे में, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। अब जनेऊ दिखा दें। अच्छा जनेऊ दिखा दे, मतलब हिंदू खतरे में नहीं है यहाँ पे? देखिए पॉलिटिशियन जो होता है उन लोग का ये रोजगार है। अच्छा उन लोग यही करेंगे, हिंदू खतरा में है, मुस्लिम खतरा में है, उन लोग का काम ही यही है कि उन लोग को बस यही रखना है, हिंदू खतरा में, मुस्लिम खतरा में। आप यूपी जाइए ना, वहाँ पे देखिए कौन खतरा में है। योगी जी आ रहे हैं अगर देश में, अगर कोई हिंदू आ रहे हैं आने दीजिए ना। अच्छा। अगर देश में हम हिंदू है, आप मुसलमान है, या कोई भी हिंदू मुसलमान है, यूनिटी के साथ रहे। हिंदू है इसका मतलब ये नहीं कि यूपी में सीना 14 का सीना 56 कर ले। अगर आप मुस्लिम है, सबको इक्वल का ये मिलना चाहिए ना। आप तो उसको देख रहे हैं मुस्लिम है दूध तबड़ा दे, वैसा वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा, कुल मिला के होना ही नहीं चाहिए। देखिए मेन मुद्दा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि वो कह रहे हैं कि ममता के गुंडे सड़क पे घूम रहे हैं, बज रहा है तो कुछ इस तरह का मामला। आपको क्या हम लोग गुंडा लग रहे हैं? आपको क्या हम लोग गुंडा लग रहे हैं? नहीं आप तो आम जनता, लेकिन उनके गुंडे घूम रहे हैं। वही तो बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं कि ममता के गुंडे घूम रहे, तो हम लोग क्या है? हम लोग अपना पैसा खर्चा करके फैमिली लेके खाने आए, तो हम लोग क्या पैसा खर्चा करके गुंडा है? अब आप बताइए, आप बोले महिला सुरक्षित नहीं है। ये सामने चाय दुकान है, ये लेडी चाय दुकान है, ये लेडी चाय चलाती है सारा रात, तो अब आप बताइए कैसे सुरक्षा नहीं है और कैसे कौन सा गुंडा है, कौन टाइप का गुंडा? वो जो आरोप लगा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, बोलने का बात बोलते हैं ये जुमला है। प्रधानमंत्री को बोलिए अर्जुन सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखने के लिए, पार्टी का टिकट वही दे रहे हैं जितना बड़ा बड़ा गुंडा है, चाहे वो राकेश सिंह हो पोर्ट एरिया से, चाहे अर्जुन सिंह। और ऑन माइक में खड़े होकर ये लोग गाली देते हैं, पुलिस को धमकाते हैं, पब्लिक को धमकाते हैं। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि सोनार बंगला बना देंगे तो भरोसा क्यों नहीं करते हैं आप? सोनार बंगला अगर बनाना होता तो उत्तर प्रदेश को सोनार उत्तर प्रदेश, उनका तो दूसरे भी स्टेट में तो है। आदित्यनाथ योगी आज हमारा बंगाल में देखिए, ये योगी जी ने कहा बंगाल में महिला सुरक्षित नहीं रहती हैं। हम आपको बता दे, ये रात का 1:30-2 बज रहा है, बंगाल में आप देख लीजिए कौन सी महिला सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर खुलेआम महिला घूमती हैं, खुलेआम महिला आराम से रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान नहीं है कि यहाँ का बंगाल में महिला को कोई डिस्टर्ब करता है। अगर अगर आप उस जय श्री राम तो एक धार्मिक नारा है, आप उसको पॉलिटिक्स के लिए यूज कीजिएगा। आप बीजेपी वाले क्या ना, दिक्कत होता है? नहीं नहीं दीदी को कोई दिक्कत नहीं है। आप बंगाल में क्या पूजा नहीं होता है? बंगाल में बहुत सारा मंदिर है, मस्जिद है, सभी तो है। लेकिन मेन दिक्कत क्या है ना कि आप एक धार्मिक नारा को, जय श्री राम को, आप मार्केटिंग कर रहे हैं कि दीदी को उससे भड़क रही है, हिंदू वोटर खतरे में। वैसा कुछ नहीं है। चलिए आप किसके साथ? टीएमसी के साथ। क्यों टीएमसी के साथ है? क्योंकि ममता दीदी है। ममता दीदी है। हाँ विकास है, आप खड़े कहाँ है? देखिए यूनिटेक में है।
इम्प्रूवमेंट देखिए, सब कुछ देखिए, कहाँ से विकास करेंगे भाई, कहाँ से करेंगे? क्या नाम है आपका? बिलाल नाम है मेरा। बिलाल नाम है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम काट नहीं चलेगा। आप तो देख नाम तो सुने होंगे सबका, सब तो साथ ही में हम लोग रहते हैं, तो फिर ये यहाँ हिंदू मुसलमान सब घूम रहे हैं। हाँ, ये गुंडे वगैरह तो नहीं घूम रहे हैं यहाँ? कहाँ गुंडे घूम रहे हैं, हम लोग का वीकेंड है, हम लोग आए थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। योगी जी आकर के जो कर रहे हैं उससे, अरे उनका बात छोड़िए भैया, उनका बात छोड़िए, मोदी जी खेला बिगाड़ने के लिए नहीं सकेगा, दीदी से हम लोग बन जाएंगे ना उनका पैर। अकेली ममता लड़ पाएंगी? अरे हम लड़ेंगे उनके साथ, अकेला क्यों है ममता बनर्जी? बहुत खतरनाक होता है जख्मी शेर, बहुत खतरनाक होती है। अच्छा, आप शेर बना दिए उनको? हाँ शेर है, शेर नहीं है, बंगाल की शेर है वो। 56 इंच का छाती है, विकास कर रहे हैं, दंगा बज रहा है विदेश में, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप देखिए, सिर्फ अदानी और अंबानी ऊपर जा रहे हैं, सिर्फ अदानी और अंबानी, बाकी आप कोई भी मिडिल क्लास पीपल से पूछ लिए उसका क्या हाल है, हाल बेहाल है। यहाँ के बारे में तो कह रहे ना, बस सोनार बंगला बना देंगे ये सब। सोनार बंगला ऑलरेडी बना हुआ है, आके बोलिए यहाँ बिगाड़ने को नहीं। तो आप किसके साथ है, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी। क्यों पसंद आ रही है ममता बनर्जी? क्योंकि आज से 6 साल पहले सारे हिंदू सुरक्षित थे, 6 साल बाद जब से मोदी जी आए हैं तब से सारे हिंदू खतरे में है। तो ये तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि हिंदू आप खतरे में क्यों है, 6 साल जब से उनका राज्य है तब से वो हिंदू खतरे में क्यों है? ये मोदी जी जवाब दे, ये ममता बनर्जी जवाब नहीं देगी। बंगाल का राजनीति दूसरा है, यहाँ ज्वाड़ भाटा होता है, ज्वाड़ भाटा। अच्छा। सुबह कुछ बोलेगा रात में कुछ। अच्छा। बंगाल में सिर्फ ममता चाहिए और कुछ नहीं, मोदी बुझेगा नहीं। आज तक डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम इतना नहीं बढ़ा था, बंगला नीचे में चाय। मोदी जी कह रहे हैं ना सोनार बना देंगे, सोनार बंगला बना देंगे, सब तो कह रहे हैं। सोनार बंगला बना के करेंगे, बना कर करेंगे क्या? क्या बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे सोनार बंगला? सोना कहाँ से लाएंगे? बांग्लादेश से? अच्छा। शेख हसीना से लाएंगे? भरोसा नहीं है, तमाम बातें कर रहे हैं, एकदम भरोसा नहीं है, चीटिंग वाला आदमी है, एकदम भरोसा नहीं है उस पे। कौन सा चीटिंग कर दिया आपके साथ? आम आदमी, 16 लाख, हम मिडिल क्लास आदमी है, हम मिडिल क्लास आदमी है, जो हम पे जो जिस चीज का प्रेशर है, नॉर्मली तेल पेट्रोल डीजल पे है, रसोई गैस पे है, जो सब्सिडी है, सब्सिडी कहाँ गया? 650 राष्ट्रहित में ले लीजिए, 100 रुपए क्या दिक्कत है? राष्ट्रहित पे ले लीजिए, लेकिन जिसका सैलरी 6-8 हजार रुपया है, घर में अकेला कमाने वाला आदमी, आप उससे पूछिए कि वो 100 रुपए देने लायक है? आप जो काबिल आप उससे लीजिए ना। और महिला है, इनसे बातचीत करते हैं कि कैसे देखते, क्या लग रहा है कि कौन सा पार्टी आ सकता है, किस पे भरोसा है? ममता बनर्जी जिंदाबाद। दीदी मैं के चाहे, दीदी के चाहे, निजर बांग्ला दीदी छड़ा क्यों नहीं? आप क्या कहना चाहिए, किसके साथ है? हम ममता दीदी के साथ है, और क्या। अच्छा, मोदी जी पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, मोदी जी पे भरोसा नहीं, बहुत कांड कर चुके हैं हम, क्या 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 कर दिए, कुछ कांड कर चुके, कांड कर चुके। यहाँ पे तो कह रहे हैं चीज कर चुके हैं वो, हर चीज में एकदम महंगाई कर दी है, हर सबको परेशान, ममता दीदी हम लोग का बेस्ट है। ये महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठता है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, कुछ कहने का नहीं है, यहाँ ममता का ये है बस, ममता ही वेलकम है हमेशा के लिए। मोदी जी कह रहे सोनार बंगला बना देंगे, तो भरोसा वो सपना देगा, देखने दीजिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो खेला होगा इस बार? खेला हो सकता है, क्यों नहीं होगा, जब वो कर सकता तो क्या क्यों नहीं हो सकता है। दीदी इतनी क्यों पसंद आ रही है आपको? दीदी हर एक काम अच्छी है तो अच्छे ही ना बोलेंगे दीदी? ऐसे देखिए, हम लोग इतना रात में यहाँ पे है, इतना आराम से सेफ महसूस कर रहे हैं, बच्चे लोग को साथ में हम लोग। 294 नॉट ए मोदी, ओनली ममता बनर्जी। वो तो कह रहे हैं 200 पार है, इस बार खेलेगा तो कमल, ये स्मृति ईरानी भी कह रही है। मोदी जी 200 पार जो बोल रहे हैं ना, वो जीरो भूल गए हैं, सिर्फ 2 है। अच्छा, 3 था वो 2 हो जाएगा, सिमट जाएंगे, बस 2-2। ये कुछ कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं है आपको? हाँ, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। हम देखिए इतने रात में महिला लोग लेके घूम रहे हैं, सब महिलाएं, हमारी भाभी, हमारी बहन है, हमारी पत्नी है, हमारी बेटी है, हमारे बच्चे हैं, हम सबको लेके घूम रहे हैं। और किस राज्य में है? और किसी राज्य में है? मोदी के अपने राज्य में है। पता है, तमाम लोग जो तमाम युवा उनसे बातचीत की, सबने अपनी अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखी। किसी ने प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लिया कि वो आ रहे हैं, और बाकी जो लोग हैं वो क्या टीएमसी के बारे में कह रहे हैं कि टीएमसी का यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा भारी उनका। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोज में, बन रही हमारे साथ, धन्यवाद।